नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? ताऊते राजस्थान में परे गुरु जम्बेश्वर का सत सत प्रणाम। आज सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए, हाँ, ताऊते के बारे में न्यूज़ आ तो रही है। राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में तो प्रवेश कर गया। कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमारे राजस्थान में कोई तूफान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कोरोना की बात अलग है। हाँ, हमारी तो धरती वैसे ही प्यासी है, तो कितना ही बारिश कर हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चारण साहब, जय माता जी। जय माता जी। हुकम त्राहि माम, त्राहि माम गांधी महात्मा जी। त्राहि माम का अर्थ होता है रक्षा करो। आ जाओ, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। आपका भी मन कर रहा होगा, कल वीडियो डाला था, कल डाला था परसों डाला था कि सर आप आ जाए करो। आपकी ये कमेंट ही हमें एनर्जी देते हैं, अच्छे लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कमेंटों से, आपके प्रेम की वजह से ही हम प्रेरित हुए हैं। कुछ किया है आपके लिए तो सिर्फ आपने जो उम्मीदें रखी है इसीलिए किया। अच्छे कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, सबको ही लगता है, मुझे क्या, सबको ही लगता है। तो आप सभी को नमस्कार। आज बहुत कुछ खास है। 11वीं 12वीं के बच्चे, आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, साइंस के बच्चों के लिए भी आज कुछ खास है। इतने दिन बाद में क्यों किया ये भी बता देंगे। राम राम सर जी, जयपुर से राम राम भैया। आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ, दर्शन का तो सब जानते हो, सिचुएशन ऐसी है। ये मत सोचना कि हम कहीं जा रहे हैं, आपकी क्लासें नहीं लेंगे। जैसे आप एक्टिव होंगे उससे डबल एक्टिव हम हो जाएंगे। चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब वैकेंसी आने से पहले, आज तो ड्रेस तो नुपुलो पुलो ही तो दिख रही है, नीचे दरजाम पे रखे। तो हाँ, ग्राम सेवक की सूचना की भी बच्चों न्यूज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि ग्राम सेवक की भर्ती में सीएटी लागू होगा। तो एक तो ये देखें, एक सीएटी के नाम पे एक तो आप भ्रमित मत हुआ करो, कुछ नहीं है। सीटी का मतलब ये हो गया कि एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा आपका। जैसे रीट से रीट हो रही है थर्ड एग्जाम के लिए, उसमें क्या होगा सर, उसमें क्या सिलेबस आएगा? वैसे सिलेबस डिसाइड तो नहीं है, लेकिन वो एक इस प्रकार का कॉमन टेस्ट होगा कि जिसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी भी आएगी, मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, संस्कृत नहीं आएगी, जीके भी आएगा। तो एक कॉमन टेस्ट होगा वो। हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं कह रहा मैं, हो सकता है भी चांस ये चल रहे हैं कि सीटी लागू करो। तो अगर वो लागू हुआ तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ग्राम सेवक से पहले की थोड़ी बहुत न्यूज़ें आनी शुरू हुई है। अगर ऐसा हुआ भी तो चिंता मत करो, आपके ग्राम सेवक के सिलेबस में हमने जो डाल रखा है, पटवारी में डाल रखा है, अगर सीटी लागू हो गया तो उसमें जो कुछ होगा हम इसी में जोड़ देंगे। आपसे एक्स्ट्रा किसी प्रकार का 1 रुपया 10 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। पुराने स्टूडेंट है वो हमसे जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े, हमने कोर्स भी उनका इसलिए नहीं हटाया। जैसे राजस्थान पुलिस है, पीटीटी, बीएसटीसी, अभी तक पढ़े हैं, पुराने वाले ही पढ़े हैं, इसलिए नहीं हटाया कि वो बच्चे बस एक बार हमसे जो जुड़ गया, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो हमसे लाइफ टाइम जुड़ा रहे। जब तक नौकरी ना लगे तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार बस आप हमसे जुड़ गया, जोड़ने का मकसद होता है किसी ना किसी तरीके से आपको एक बार जोड़ना है। बस मुझे आपके हर घर तक पहुँचना है, कोशिश की है, पहुँचे हैं भाई। इस युग के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, पिछले जब से आए हैं तब से एक क्रांति सी आई है। तो क्रांति आई है तो फिर क्रांति आने का मतलब ये हर घर तक पहुंचे। तो आज हम हर घर तक पहुंच चुके हैं, हर बच्चे के पास, आज हर दूसरे तीसरे बच्चे के पास दुरीना का कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स ले, सबसे पहले बच्चों के कॉल आते हैं, बोल गुरु जी आपका कोर्स लेते हैं, तब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि पैसे अपने अकाउंट में है कि नहीं, क्योंकि इतने पैसे तो हर किसी के अकाउंट में ही मिल जाएंगे। तो चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज मैं क्या लेके आया हूँ पहले सुनो, आपके दर्शन हो गए, आपके भी दर्शन हो गए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब सुनो आराम से, क्या है आपके लिए खास, ऐप के अंदर क्या खास है, ऐप के अंदर भी क्या क्या खास बात है, चलो सुनाता हूं मैं। आ गए सारे, देखिए फीस के बारे में बताने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन इस कोरोना के दौर में मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज्यादा हानि हुई है, नुकसान हुआ है। सरकार से आज नहीं तो कल गुजारिश जरूर करेंगे कि इस कोरोना महामारी में जो जिन बच्चों के माँ बाप चले गए, अनाथ हो गए, या फिर जिनके पति विधवा औरतें, उनके लिए सरकार कुछ सरकारी नौकरियों में भी प्रावधान करे। ये नहीं 2000 4000 देके आप उनको राजी करें, गुजारिश करेंगे इसके लिए, हो सकता है कोशिश पूरी करेंगे कि उन्हें सरकार कुछ करे नौकरियों के अंदर। आंकड़े मैंने देखे कल चूरू के, उसमें आ रहा था कि इस दूसरी लहर में चूरू में मात्र 40 लोग मरे, जबकि हकीकत ये है कि हमारी तहसील में चले गए होंगे 150 200। तो पता नहीं आंकड़े कैसे आते हैं, ऊपर से आते हैं कि मन में आते हैं आंकड़े, इनके पता नहीं। लेकिन इस कोरोना महामारी में बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करे नौकरियों में, ना कि उन्हें 2000 5000। तो इस दौर में बहुत आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है, तो हमने सिर्फ इसको छोड़ के, आरएएस को छोड़ के, बाकी सबकी फीस ऐसी कर दी है कि तुम्हें सोचने की कतई जरूरत नहीं।
फीस कम करने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई समझौता है। हाँ, अभी क्लासें थोड़ी कम आ रही है, लगभग कोर्स अपलोड है। आप क्वालिटी की बात ये है कि मैं खुद बोलता हूँ कि आप जो है हमारे ऐप का, हमारे टीचरों का कंपेयर जरूर करें, बिना कंपेयर कुछ न बोले, कंपेयर जरूर करें कि हमारे टीचर कैसे हैं। भले किसी दूसरे टीचरों से कंपेयर करें, नोट्स बना के कंपेयर करें, हमारे ऐप की फैसिलिटी का कंपेयर करें, हमारा ऐप कितना इजी चलता है, कभी हैंग नहीं होता, इस चीज़ का भी कंपेयर करें, हम लाइव दे रहे हैं इस चीज़ का कंपेयर करें, हर एक चीज़ का कंपेयर जरूर करें और कंपेयर करके बोले। आज रीट जैसी एग्जामों की भी मैंने बहुत कम कर दी है, 600 सबसे पहले कम करने का शुरुआत की हमने और एकदम कम कर दी इस दौर के अंदर, क्योंकि हर किसी की समस्या है इस दौर में। कंपेयर जरूर करें और कंपेयर, क्योंकि मैं हर बेंच में क्लास लेता हूं और उस समय मैं अपने नंबर देता हूं क्लास के समय कि आपकी कोई प्रकार की किसी टीचर किसी कोई समस्या हो, मुझे सीधा मैसेज करोगे कि ये समस्या है इस टीचर में, इसलिए हम आज सुधार करते करते इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। चलो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया। अब बात यह थी क्या क्या है। एक तो ऐप में नया अपडेट आया है, अपडेट में देखो कौन कौन सी चीजें आई है ऐप के अंदर। एक जो नया अपडेट आया है वो अपडेट कर लेना सारे के सारे, आपके लिए क्या नई चीज दी गई है। अब पीछे जो है हम वीडियो अपलोड करते थे, जैसे हमने शुरुआत में, धीरे धीरे सुधार होता है, शुरुआत में हम वीडियो अपलोड करते थे तो हर कोई किसी का कमेंट पढ़ सकता था, जैसे यूट्यूब पे होता है, तो हम वैसा करते थे। तो हुआ क्या कि नीचे बच्चे राजनीति करना शुरू कर दिए, पता नहीं किस उद्देश्य से ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, बोला आइए इस ग्रुप से जुड़ते हैं, ग्रुप उसमें एक दूसरे का देख के ग्रुप जुड़ते गए, फिर ग्रुप में राजनीति शुरू कर दी। अब क्या हुआ, इस वजह से हमने अपलोड वीडियो प्राइवेट कर दिया था, चैट यानी अपलोड वीडियो में प्राइवेट हमने एक साल पहले कर दिया था, ताकि खुद का कमेंट खुद ही पढ़ सके, क्योंकि उसमें राजनीति करनी शुरू कर दी, एक दूसरे को नंबर देना, ग्रुप बनाना बड़े बड़े इस तरीके, क्यों, क्योंकि एक एक वीडियो में लाखों व्यू है हमारे, तो उसमें ग्रुप बनाना। तो अब हमने क्या किया, इस कोरोना के पिछले 1.5 महीने से मैं देख रहा हूं कि बच्चों पढ़ने का तो मन नहीं है, लेकिन लाइव आ जाते हैं और सिर्फ चैटिंग करते रहते हैं, पूजा क्या हाल है, अच्छा पूजा सीख करूं, मैं भी सीख करूं, ये करके परेशान कर दिया। परेशान करने की वजह से अब लाइव के अंदर भी हमने प्राइवेट कर दिया, जैसे एक साल पहले अपलोड में किया था, खुद का कमेंट खुद देख सकता है, टीचर सबके देख लेगा, हाँ भाई सारा बोल रहा है, ये मजबूर होके करना पड़ा। तो पुराने जिनको है वो समझ जाएंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, माहौल नहीं बनता, लेकिन मजबूरी होकर करना पड़ा। ई पेपर का मतलब हम एक नई चीज ये लेके आ रहे हैं कि आज तक जितनी भी एग्जाम हुई, जैसे पटवार की जितनी बार एग्जाम हुई, उस सब के हम पेपर डाल रहे हैं, कुछ डाल दिए और सारे डाल देंगे, रीट के जितने हुए सब डाल देंगे, ये तो अलग से किया है। इसके अलावा देखो क्या खास किया है, फ्री टेस्ट, ये देखो ये इसी के लिए माया था। फ्री टेस्ट का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने आज तक के आए हुए क्वेश्चनों का टेस्ट, कैसे टेस्ट देना है वो मैं बता दूंगा, फ्री कर दिया है। इंग्लिश के आज तक के आए हुए, शिक्षण विधियों के आए हुए, किसी भी सब्जेक्ट के, मैथ साइंस, भले साइंस से आप कर रहे हैं ना रीड, तो भी जी के आज तक के आए हुए क्वेश्चनों को हमने टेस्ट के रूप में तब्दील कर दिया, ताकि आप टेस्ट देते रहो, आपका आनंद आता रहे। जैसे नदियां टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको किताब लाने की जरूरत नहीं है, ये किताब हमारी भी मार्केट में 200-250 मिलती है, हमने तुम्हें फ्री कर दिया है। हर एक चीज़ धीरे 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 सब कुछ फ्री कर देंगे, यानी किताब लाने की जरूरत नहीं है। नदियाँ हमारे टेस्ट सीरीज में जाओ, ज्योग्राफी में जाओ, ज्योग्राफी में नदियां खोलो, नदियों के आज तक के आए हुए क्वेश्चन दो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की पीछे के आए हुए क्वेश्चनों की किताब लाने की आपको जरूरत नहीं है। हमने सारे सब्जेक्टों के टेस्ट, ये सबसे बेहतरीन है, आपको बधाई देनी पड़ेगी इसके लिए कि सर ये अच्छा किया कि 200-250 रुपये की अब किताब लाने की जरूरत नहीं, टेस्ट देने में आनंद आएगा, पढ़ो टेस्ट दो, जिसको लगता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया वो जाके टेस्ट दो। सोच सकते हो कि कितने नई चीज की है कि सारी की सारी फ्री कर दिया सर। वीडियो क्वालिटी जो आप एकदम नॉर्मल नेट पे चल जाता है, पहले हमने बढ़ा दिया था, इस वजह से वापस कम किया। ऑडियो वीडियो बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट वीडियो, सर ये क्या नई चीज लेके आए हो, शॉर्ट वीडियो समझो क्या, जीडी का बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, एक बार कमेंट बाद में पढ़ूंगा, जीडी का क्या लेके, सॉरी शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब पे देखते हो आप मीम्स बहुत चलते हैं, ये हमने ऐप में दे दिया। सर इससे क्या होगा, इससे क्या, कुछ जैसे अकबर का पूरा साम्राज्य मैं 1 मिनट में बता सकता हूं,
अकबर की सारी डाटे में एक मिनट में ट्रिक से बता सकता हूं, 1556 से 60 ये किया, 60 से 62 ये किया, 62 63 64 तीर्थ यात्रा कर ये कर ये कर, 64 में गोंडवाना विजय, 65 66 67 68 में चित्तौड़ विजय, 70 में नागौर, मैं एक मिनट में कर सकता हूं पूरे। इस तरीके के शॉर्ट वीडियो हमने शुरू कर दिए हैं जिसमें अभी तो शुरुआत है, दो दिनों बाद पूरा हो जाएगा, अभी 7-8 ही डाले हैं, तो ये शॉर्ट वीडियो जो देखने में बड़ा आनंद आता है, तो ये हमने अब कर दिया है यूट्यूब के ऊपर भी, यानी सॉरी हमारे दुरीना एप्लीकेशन के ऊपर। ये एक नया किया है जिसमें आपको देख के आनंद आएगा, रोज डालेंगे कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ नई चीज जो सबके लिए फ्री होगी, यानी कि आप ऐड सबके लिए फ्री। एक नया फंक्शन किया है हमने ऐप के ऊपर, ये सबसे शानदार चीज है जिसमें बड़ी रुचि रहती है। और देखो 11वीं 12वीं आपका कोई भी भाई कोई भी बहन हो, आप हम पे विश्वास करते हो, हमने जो किया है वो किस आधार पे किया है। मैं नीट का बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन मैंने खुद टीचर टीम तैयार करके इसे करने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे इस लाइन का अनुभव नहीं है, क्या पता कौन सा टीचर आए, कैसा आए, रुके कि नहीं रुके। इसलिए सीकर की एक बहुत बड़ी संस्था जो इसके लिए जानी जाती है, सीकर के अंदर कई सालों से पढ़ा रही है, लगभग 70-75 हज़ार तक फीस होती है, उस संस्था को मैंने आमंत्रित किया कि आप मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मिनिमम फीस के ऊपर बच्चों के लिए ये सुविधा दे दो। और गुरुजी तैयार हो गई, इम्पल्स संस्था है, जो सीकर पढ़ने वाला या सीकर के 11वीं 12वीं साइंस में रुचि रखने वाला हर बच्चा इस संस्था के बारे में जानता है। उस संस्था की पूरी टीचर टीम, मैं कल बताऊंगा इस पूरी टीचर टीम का अनुभव क्या है, ये है 12 साल से कम अनुभव किसी टीचर का नहीं है, 10 से 12 साल का अनुभव रखने वाली टीम है। इसमें दो कोर्स लॉन्च किए, एक तो वो है टारगेट मतलब जो 12वीं कर चुका है और जो तैयारी करना चाहता है, और 70-75 हज़ार फीस होती है जिसकी मात्र 4500 रुपये। एक वो है जो अभी करना चाहता है, 11वीं के अंदर है और करना चाहता है, 12वीं के अंदर है तो करना चाहता है, उसके लिए मात्र 3300 रुपये। सोचो नीट के लिए एक बड़ी संस्था, ये नहीं कि मैंने खुद टीचर टीम तैयार की तो हो सकता है कि मुझमें कमियां रह जाए, लेकिन एक संस्था जो है जानी मानी संस्था उतरी है इसके अंदर हमारे साथ, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे टीचर होंगे, कतई सोचने की जरूरत नहीं है। और इतने कम फीस के अंदर नीट का कोई नहीं दे सकता, ये भी हमने भारत में शुरुआत कर दी है नीट के लिए भी, इसके लिए बधाइयां बनती है कि सर अच्छी संस्था के साथ आपने ऑनलाइन किया है, ये बधाई देनी पड़ेगी, बाद में दे देना चाहिए पर्सनल। इसका कल मैं पूरा बताऊंगा सारा, आपका छोटा भाई बहन जो भी हो बिना सोचे समझे उसे आप सजेशन दे सकते हो, मुझ पर विश्वास करिए, चिंता करनी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियमों के अंदर है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब ये तो नीट वाला हो गया, सीधा कैसे, सीधा दुरीना डाउनलोड किया, सीधा राजस्थान पे आए और आपको ऊपर ही दिख जाएगा टेस्ट, सभी एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट कैसे देना है ये समझो, ये जरूरी है सबके लिए है, आज तक के आए हुए आपका घर पे मन नहीं लग रहा, अब ये टेस्ट दो, जिसको लगता है मेरी पूरी तैयारी है फ्री टेस्ट दो और आनंद लो, कहीं कोई दूसरी किताब लाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, इसके बाद में नीचे देखो टेस्ट का ऑप्शन अलग से बनाया है, अलग से टेस्ट का बनाया है, उस टेस्ट के ऊपर अलग से क्लिक करो, क्लिक करते ही कौन से सब्जेक्ट का देना चाहते हो भाई आप, इंग्लिश का, हिंदी, जो पर्यावरण, राजस्थान, सब लगभग क्वेश्चन तो डाल दिए, थोड़े बहुत कम है तो और चेक देंगे, इसमें हजारों क्वेश्चन है, 15-20 हज़ार क्वेश्चन डाल दिए गए हैं सब में। दो टेस्ट शुरू हो गया, रिजल्ट देख लो, रिव्यू देख लो सारा, इस चीज का आप होश के जितना फायदा उठा लो, जितना उठा सकते हो उतना उठा लो। सर ये तो कब तक ऐप में आ गया, ये सारा आ गया, रिजल्ट वगैरह हो गया, अपडेट कर लेना, बस ये है, ये शॉर्ट वीडियो है जो अभी तो हमने शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन यहां किया, लेकिन जल्दी ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली लाइन में कर देंगे, दो दिन बाद इस पर काम चल रहा है, अभी तो आपको साइड में जाके देखना पड़ेगा, यहां क्लिक करके यहां शॉर्ट वीडियो और ई पेपर, लेकिन जल्द ही ये कर दिया जाएगा आपका सीधा का सीधा स्क्रीन के ऊपर। अब आप बताओ आपके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है, थैंक यू, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, ये नहीं है कि फीस कम है इसका मतलब क्वालिटी में कोई समझौता है, बिल्कुल बेझिझक कंपेयर करिए, मुझे मैसेज करिए कि सर इस टीचर में कमी है, हो ही नहीं सकता, एक साल हो गए हमें, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कंपेयर कीजिए, हर चीज़ में कंपेयर कीजिए, किसी भी के साथ कीजिए, जोड़ के बोल दे करिए और मुझे भेजिए कि ये कमी है, एक भी कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन पहले देखिएगा जरूर, हाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये कुछ नया किया है आपके लिए, आप और कुछ नहीं कर सको तो इस टेस्ट का जरूर फायदा उठाए, और शॉर्ट वीडियो में जो है वो हम शॉर्ट वीडियो में क्या करेंगे, छोटे छोटे पूरा इतिहास को 1-2 मिनट में समेट के आपको प्रस्तुत कर देंगे, तो वो भी बड़ी काम का फीचर जोड़ा गया है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्द ही, ओके थैंक यू।